हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब। मैं हाँ अमनदीप लेके हाजिर हूं एंटरटेनमेंट दा सेगमेंट यानी कि स्पाइसी रील्स। जी हाँ, बॉलीवुड बॉलीवुड विच की खास चल रहा है, किसने किस नु की कह देता ते कौन की कर रहा है, आओ मार लेने हैं नजर। भारती सिंह और उनके पति हर्ष लमचिया एक बार फिर तो अपने मोस्ट अवेटेड शो खतरा 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 का सीजन 2 लेके आ रहे हैं। एक अजिहा कॉमेडी शो है जिसने पिछले सीजन के दर्शकों का भरपूर एंटरटेन किया। हुण भारती सिंह और हर्ष लमचिया फिर तो अपने कॉमेडी शो के नाल दर्शकों को हंसाने के लिए वापस आ रहे हैं। लेकिन इस बार ये शो सब तो पहला कलर्स टीवी के नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट पे ऑन एयर किया जाने वाला। इंडिया का पहला इंटरैक्टिव कॉमेडी गेम शो खतरा खतरा लॉन्च के लिए तैयार है। जी हाँ, शो वूट पे टेलीकास्ट होगा तो इसका प्रीमियर 13 मार्च को शाम 7 बजे होगा। इसके बाद कलर्स से यह शो सोमवार तो शुक्रवार तक रात 11 बजे तो प्रसारित किया जाएगा। इस बार कोरियोग्राफर और बॉलीवुड फिल्म निर्देशक फराह खान खतरा खतरा के सीजन 2 के धमाकेदार एंट्री करेंगे। हर्ष लमचिया द्वारा लिखा और निर्मित कॉमेडी गेम शो हर्ष और भारती सिंह इस नूं पोस्ट करते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, इस बार बिग बॉस 15 के कई चेहरे खतरा 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 2 के दिखने वाले ने। बिग बॉस की मजबूत दोस्ती की मिसाल कायम करने वाले निशांत भट्ट और प्रतीक सहजपाल इस टीवी शो नजर आएंगे। जी हाँ, तुहानू दस दिए कि विशाल आदित्य सिंह, निशांत भट्ट और करण कुंद्रा खतरा 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 के सैट के बाहर स्पॉट किया गया। आओ उन्होंने भी पाने एक नजर। बहुत मस्ती है, बहुत टाइम पास है, मतलब बकवास तो करनी आती है तो वही करेंगे हम लोग, वही कर रहे हैं। और बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत नई नई चीज़ें कराते हैं। लाइक एक है इन लोग का एक नया झामा है, उस पर से गिरना विरना होता है। सो आई डोंट नो, मतलब अभी तो पूरा खत्म नहीं हुआ है शूट, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। करण है यहाँ पे, विशाल से मिला मैं। दिख रहा है एक्साइटमेंट कितना है इसको, बहुत ज्यादा यही बोल रहा है तब से। खतरा कभी नहीं क्या यार, क्या क्या गंजे मतलब है ना, तो जो भी है उनके टेंड पे तुम लोगों ने मुझे जो किस्सियां करवाई है ना, मेरे तो पसीने पसीने आ गए। ऐसे फन टास्क किया है और हम लोग करण से चीजें करवा रहे हैं। तेरे से तो मैं रुक, तू 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 रुक, जब भी अभी अभी आएगा ना, अभी आएगा ना, इसका आएगा ना, मेरे को बना दो बैंड बना देंगे, बोले उसकी मिडिल फिंगर लिख कर। जीत हार का ऐसा कोई कॉम्पिटिशन है नहीं इसमें। आओ और मस्ती करो, फन करो और एक्साइटमेंट दिखाओ, ताकि यहाँ पे जो गेम इन लोगों ने कोरियोग्राफ किया है उसमें हम सब पार्टिसिपेट करें और मजा आए। That's it. भारती के साथ बॉन्डिंग को लेकर क्या कुछ बोलना चाहिए? भारती के साथ बॉन्डिंग बोलने की बात नहीं है, भारती के साथ बॉन्डिंग भारती बना लेती है अपनी बॉन्डिंग। और उनका जो वन लाइनर टाइमिंग है उनका हमेशा माइंड ब्लोइंग रहता है। हर्ष बहुत मस्त है, एक्चुअली दोनों की ट्यूनिंग बहुत मस्त है, तो बहुत मजा आ रहा है। फरा मैम है तो और भी मजा आ रहा है। टीवी एक्ट्रेस और नागिन फेम मौनी रॉय बॉलीवुड के अपने बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती है। वो पिछले कुछ समय तो लगातार लाइमलाइट का हिस्सा बनी हुई है। मौनी अपने किसी प्रोजेक्ट के कारण बेशक घट चर्चा के रही हुए, लेकिन उन्होंने स्टाइलिश अदावं हमेशा ही चर्चा के रिंदियां ने। हाल ही के अपने पति सूरज नाभियार के नाल डिनर डेट से उसको स्पॉट किया गया, जिथे वो बेहद खूबसूरत और कंफर्टेबल लुक नजर आए। जिया तुम दस दिए कि मौनी ने कुछ समय पहला ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सूरज नाभियार के नाल सत फेरे लए सी। इन्हीं कारणों के नाल इन्हीं दिनें अपने ब्याह नूं लैके सोशल मीडिया पर उह छाई हुई है। अक्सर मौनी अपने लुक्स के कारण सुरखियां दे विच रहिंदी है। जिया हाल ही दे विच उह स्पॉट कीते गए ने अते उह अते उहनां दे पति काफ़ी कंफर्टेबल लुक दे विच नजर आए। मौनी ने हाल ही दे विच अपने इंस्टाग्राम पेज से भी कुछ तस्वीरां नूं साझा किया, जिस विच उह ब्लैक एंड वाइट कलर की हाई सिल्क गाउन पहने हुए नजर आ रही है। मौनी ने अपनी पोस्ट दे विच एक तों बाद एक चार तस्वीरां नूं साझा किया, जिस विच
2 दसदी है कि मौनी और सूरज ने 27 जनवरी को मलयाली और बंगाली रीति रिवाजों के साथ ब्याह करवाया सी। फिलहाल वो अपनी व्योता जिंदगी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। मौनी रॉय के बर्फ्रंट की गल करिए तो काफ़ी समय तो वो अपने आयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर चर्चा के बनी हुई है। इस फिल्म के रणबीर कपूर और आलिया भट्ट लीड रोल के नजर आएंगे। आओ सूरज नाम्बियर और मौनी रॉय के लुक से पाने एक नज़र। बॉलीवुड इंडस्ट्री की उभरती हुई एक्ट्रेसेस के विचों एक है जाह्नवी कपूर। जी हाँ, जाह्नवी कपूर ने बीते दिन 6 मार्च को अपना जन्मदिन भी मनाया। इस खास मौके पर एक्ट्रेस को हर पास ढेरों बधाइया और शुभकामनाएं मिलियां। इसी दिन जेकर गल करिए जाह्नवी कपूर की खूब तारीफ हुई। एक्ट्रेस ने अपने जन्मदिन तो पहला पेपराजी के नाल केक कट किया सी अते उन्हां दीआं भावनावां दा मान रखदे उन्हां दे नाल अपना जन्मदिन भी मनाया सी। ते हुण कपूर खानदान की जान जाह्नवी कपूर की फैमिली वालों उन्होंने ढेर सारिया बर्थडे विशेज मिलिया। उत्थे जेकर गल करिए अर्जुन कपूर ने भी अपनी भैन से बेहद प्यार उठाया। जी हाँ, अर्जुन कपूर ने अपनी भैन जाह्नवी कपूर के लिए बेहद प्यारी गल लिखी और उन्होंने लिए एक खास पार्टी भी रखी। अर्जुन कपूर ने जाह्नवी के लिए बेहद गल लिखी। एक्टर ने इंस्टाग्राम से जाह्नवी के नाल पुरानी फोटोशूट की तस्वीर साझा की जिस विच भरा भैन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री साफ नजर आ रही है। मोनोक्रोम तस्वीर शेयर करते हुए अर्जुन ने कैप्शन के विच लिखा, मैनू पता है कि मैं कुछ जन्मदिनों से तुहाडे कोल नहीं सी, लेकिन हुण तुसी मेरे नाल जीवन भर के लिए फस गए हो। नाल ही जाह्नवी कपूर नूं टैग किया। उत्थे ही कई कलाकारा ने अपने नाल जाह्नवी कपूर दी तस्वीरां साझियां करके उन्होंने जन्मदिन दीआं ढेर सारियां शुभकामनावां दित्तियां। जाह्नवी कपूर के लिए अर्जुन कपूर ने अपने घर के विच खास जन्मदिन पार्टी रखी। जाह्नवी कपूर की गल करिए जाह्नवी कपूर ने साल 2018 के अपनी पहली फिल्म के नाल इंडस्ट्री के एक्टिंग डेब्यू किया। उसके 4 सालों के जाह्नवी ने बॉलीवुड के अपनी पछाण बना ली। जाह्नवी कपूर च फैंस श्रीदेवी की झलक देखते हैं। जाह्नवी कपूर के लुक्स, उनका स्टाइल, एक्टिंग के लोग दीवाने ने। वैसे जाह्नवी कपूर एक फिल्मी परिवार के नाल ही कनैक्शन रखती है। जी हाँ, तुम्हें दस दी कि माता पिता तो अलावा भरा अर्जुन कपूर भी बड़े अदाकार ने। जाह्नवी के नाल खुशी कपूर भी जल्द ही अपना बॉलीवुड डेब्यू करन जा रही है।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਤ ਕਪਿਲ, ਦਿਸ਼ਾ ਪਤਾਨੀ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਪੋਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਦੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਡਿਨਰ ਡੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਡਿਨਰ ਡੇਟ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਟ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਆਊਟਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਗਲੈਮਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਟਾਈਗਰ ਗ੍ਰੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਡੈਨਮ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਭੈਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਰਾਫ ਵੀ ਸਪੋਟ ਹੋਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਕਰੋਪ ਬੈਕਲੈਸ ਟੌਪ ਅਤੇ ਨਾਲ ਡਾਰਕ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਜੀਨਸ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੁੱਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿਰ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਰਾਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਟ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾ ਗਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਫਾਇਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਰਾਫ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਲਗਾਇਆ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਉਰਫੀ ਜਾਵੇਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਰਫੀ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਡ ਲੁੱਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚੋ ਹਰ ਦਫ਼ਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਤਾਂ ਉਰਫੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਫੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਪੋਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੈਪਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਰਫੀ ਜਾਵੇਦ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਆਫ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਕੱਟ ਆਊਟ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰੋਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਫੀ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਰਫੀ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਫਿਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰੋਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਫੀ ਨੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੋਸੀ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਉਰਫੀ ਜਾਵੇਦ ਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਨਸ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਨਿਊ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਉਰਫੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਡਰੈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਤਰੰਗੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਰਫੀ ਜਾਵੇਦ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਗ ਬੌਸ OTT ਨੇ ਉਰਫੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਫੈਨਸ ਅਤੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਜ਼ਲਿੰਗ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਰਫੀ ਦੀ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਰਫੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੇਫਿਕਰਾ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਿੰਗਰ ਕੁਵਰ ਸੀ। ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਪਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਰਫੀ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਰਫੀ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਲੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। I don't really believe in Women's Day because I feel it's not one day you should support women, it's every day you should. The misogyny that's been there for centuries will not go away in just one day. Celebrating women for one day will not help us take away the misogyny. We need to celebrate them every day. Agar koi cheez yahan hoti hai
तो उसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए थोड़ा पुश चाहिए होता है. सो आई डोंट बिलीव इन इक्वालिटी, आई बिलीव इन इक्विटी. यू नीड टू गिव वुमेन सम मोर पावर फॉर अस टू गेट वेयर द मेन हैव बीन देयर ऑलवेज. नो, आई लव अजय देवगन, मेरा मतलब था. नो, आई लव अजय एज इन आई मेंट लाइक गंगूबाई में सिर्फ आलिया भट्ट दिखी और कोई दिखा नहीं, एज इन मेरी नजरें उससे नहीं हट पाई थी. सो लाइक हु इज अजय देवगन, हु इज शांतनु, कोई दिख ही नहीं रहा था. इन दैट वेज आई लव अजय देवगन, आई थिंक इज वेरी हॉट. अरे यार मैं सही बता रही हूँ, अगर टाइम पे होता तो मैं शायद अजय देवगन से शादी कर लेती, मुझे इतना पसंद है वो तो काजोल लेके चली गई, नहीं तो आई लव हिम यार. आई जस्ट मेंट एज आई वाज जस्ट प्रेजिंग आलिया, नथिंग अगेंस्ट अजय देवगन. ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फिल्म प्रेमियों के लिए एक चंगा जरिया है. जी हाँ, तुहानू दस दिए कि इतने एक तो बद के एक चंगी फिल्म जो ने स्ट्रीम की जाए. हाल ही के इस ओटीटी प्लेटफॉर्म से थर्सडे यामी गौतम और नेहा दुबिया स्टार थ्रिलर फिल्म को रिलीज़ किया गया, जिसनों जबरदस्त रिव्यू मिले. फिल्म में करणवीर शर्मा, अतुल कुलकर्णी, डिंपल कपाड़िया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो कहानी के सार में जुड़ता है. फिल्म के यामी गौतम वालों निभाई गई प्ले स्कूल टीचर के इर्द गिर्द घूमती है, जो 16 स्टूडेंट्स को बंधक बना लेती है. जी हाँ, फिल्म की कहानी थर्सडे इस सब के पिछे पिछे घूमती है. तुहानू दस दिए कि थर्सडे फिल्म की सक्सैस हाल ही के जश्न के तौर पर मनाया और सारे सितारे इकट्ठे सक्सैस पार्टी करते हुए नजर आए. यामी गौतम अपनी फिल्म थर्सडे की सक्सेस पार्टी दौरान नजर आई. इस दौरान उन्होंने ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस, बैकलेस ड्रेस पहनी हुई थी. जिस विच वो थोड़ी अनकंफर्टेबल भी नजर आ रही थी. उधर ही नेहा दुबिया की गल करिए, सफेद कुर्ता, टाइट पाल और बड़े बड़े ईयरिंग्स पहने नेहा दुबिया इस इवेंट के स्पॉट हुई. इस दौरान उन्होंने जम के फोटोग्राफर्स को पूछते, आओ इन्हें पाने एक नज़र. एक्टर कुणाल खेमू और एक्ट्रेस सोहा अली खान बॉलीवुड के लविंग कपल्स के विखे. हाल ही के कपल के नाल सड़क पर एक हादसा होया, जिस विच उन्होंने फैमिली की जान जोखिम के पेंदे हुए बाल बाल बची. इस घटना की जानकारी कुणाल ने सोशल मीडिया से पोस्ट शेयर कर दी. जी हाँ, मुंबई पुलिस को गुजारिश की कि इस मामले से तुरंत एक्शन लिया जाए. अज से दोपहर यह जानकारी देते हुए कुणाल खेमू ने ट्विटर से लिखा कि अज सवेरे 9 बजे अपनी वाइफ, बेटी और पड़ोसियों के 2 बच्चों के नाल नाश्ते के लिए जुहू जा रहा है. इस विच एक कार ड्राइवर लापरवाही के नाल गाड़ी चला रहा है. इस शख्स ने बिना हॉर्न बजाए ओवरटेक करने की कोशिश की. इन्ना ही नहीं, इस ड्राइवर ने अचानक मेरी गड्डी के सामने ब्रेक लगा दी.
इस लापरवाह ड्राइवर ने केवल अपनी सेफ्टी के नाल खिलवाड़ नहीं किया बल्कि मेरी कार के विच बैठे सारे की सुरक्षा को भी खतरे के विच पाता। इस शख्स की वजह के नाल मैं बहुत मुश्किल के नाल गड्डी टकराने को रोकया और ब्रेक लगाया। यह बेहद दर्दनाक सी क्योंकि मेरी गड्डी के विच उस समय बच्चे सी। कुणाल ने अगे लिखा कि फिर वह शख्स अपनी गड्डी रोक के बाहर निकलिया और औरतों के बच्चों सामने गंदियां गालियां देने लगा। मैं जिन्ने विच ये सब रिकॉर्ड करने के लिए फोन कटिया वह उतों भज निकलिया। मैं मुंबई पुलिस को इस मामले को गंभीरता नाल लैण की अपील करता हाँ। कुणाल खेमू की शिकायत मुंबई पुलिस ने ट्विटर से रिएक्ट किया। पुलिस ने दसा कि इस मामले से सेंटाक्रूज ट्रैफिक पुलिस जल्द ही एक्शन लवेगी और तुहानू जानकारी देवेगी। जी हाँ, तुहानू दस दिए कि सोहाली खान कुणाल खेमू इनाया खान का एक्सीडेंट होते होते बच गया। यह जानकारी खुद कुणाल खेमू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए साझा की। फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए निकले कुणाल खेमू अपनी बीवी और बेटी के कार के बैठे से। इसे रोड से उस दौरान बुरी तरह के ड्राइविंग करते हुए एक नौजवान अपनी कार के अकड़ दिखाता हुआ गाली कलोज करता हुआ निकलिया। इसे युवक की हरकत तो गुस्से के कुणाल खेमू ने उन्होंने गाड़ी का नंबर शेयर करते हुए मुंबई पुलिस का दरवाजा खड़खड़ाया। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर फिल्म इंडस्ट्री के अनस्टॉपेबल एक्टर ने। उन्होंने अपने जीवन कभी भी पिछे मुड़ के नहीं देखा। जी हाँ, पर एक आउटसाइडर होने के नाते उन्होंने काम पाने के लिए काफ़ी संघर्ष भी किया। नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 3 साल तक उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। इसके बाद मुकाम हासिल करने के लिए मुंबई आ गए, पर मुंबई के अपने करियर के शुरुआती समय के अनुपम खेर काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। कई दफा अनुपम अपने करियर के स्ट्रगल्स के बारे गल कर चुके हैं। अज ये बाकमाल अदाकार अपना जन्मदिन मना रहा है। अनुपम खेर का जन्म 7 मार्च 1955 शिमला के होया। एक्टर का मन पढ़ाई के ज्यादा नहीं लगता सी। वह बचपन के ही शर्मीले सी, मगर स्कूल के दिनों तो ही उन्होंने एक्टिंग का शौक सी। अनुपम खेर जब नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अदाकारी की तालीम हासिल कर मुंबई आए तो शुरुआती कुछ महीने बहुत मुश्किल भरे रहे। उन्होंने मुताबिक एक महीने तक उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म से सौंके कटे, जबकि उन्होंने जेब एकदम खाली सी। जी हाँ, खाण के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पाया। उन्होंने बहुत सारे रिजेक्शन तो होकर गुजरना पाया। उन्होंने 29 साल की उम्र के पहली फिल्म सारांश की। इस फिल्म को पाने के लिए भी उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी। महेश भट्ट के नाल उन्होंने बहस भी हो गई। दरअसल महेश भट्ट एक फिल्म बना रहे थे जिस विच एक 70 साल के रिटायर अफसर का रोल प्ले करना से, जो अपने बेटे की मौत के बाद उस दियां अस्थियां लैण के लिए दर बदर भटकता है। इस रोल के लिए अनुपम खेर का नाम फाइनल हो चुका है। अनुपम खेर के बाल बचपन ही चढ़ गए थे, इसलिए उन्होंने ये रोल आसानी के नाल मिल गया, मगर ऐन मौके पर अनुपम खेर तो यह रोल खो लिया गया। महेश भट्ट चाहते थे कि यह रोल संजीव कुमार वर्गे एस्टैबलिश्ड एक्टर प्ले करन। संजीव, शोले, आंधी, मौसम समेत कई सारिया फिल्मों के अजिहे रोल्स प्ले भी कर चुके थे, पर अनुपम को महेश भट्ट की यह गल समझ नहीं आई। उन्होंने महेश भट्ट खरी खोटी सुना दी। बाद महेश भट्ट को अपनी गलती का एहसास होया, उन्होंने ये रोल वापस अनुपम खेर दे दिता। फिल्म खूब चली, हर तरफ अनुपम खेर की अदाकारी की तारीफ हुई। इसके बाद एक्टर ने कदे पिछे मुड़ के नहीं देखा। वो 500 तो भी ज़्यादा फिल्मों के काम कर चुके हैं। अज वो बॉलीवुड की जरूरत बन चुके हैं। हुण उन्होंने लिए स्पैशली रोल्स लिखे जाते हैं। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, कई सारी इंग्लिश मूवीज़ के भी वो नज़र आ चुके हैं। तो अज बाकमाल अदाकार अपना जन्मदिन मना रहा है। इन्हों इन्हों के जन्मदिन से हार्दिक मुबारकबाद।
संजय लीला बंसाली की आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी कुछ दिन पहला ही रिलीज हुई। इस फिल्म के आलिया भट्ट के प्रेमी रमनीक लाल का किरदार निभाने वाले शांतनु माहेश्वरी की खूब तारीफ हुई तो अज वह अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने फिल्म के शानदार एक्टिंग कर लोगों का ध्यान अपने वाल खिंचया। इस मौके सोशल मीडिया से फैनस उन्होंने लगातार तारीफ भी करते नजर आए और अज जिमें कि अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो शांतनु माहेश्वरी टीवी की दुनिया के मन्ने परमन्ने नाम ने। जी हाँ, तुहानू दस दी कि इस फिल्म विच भावें ही शांतनु महेश्वरी ने आलिया भट्ट नाल काम किया लेकिन उन्होंने पहली मुलाकात एक रियलिटी शो दौरान हुई सी। जी हाँ, अते मज़ेदार गल यह है कि तद आलिया भट्ट ने शांतनु महेश्वरी नू हॉटी कह के उन्हां दी तारीफ की सी। तुहानू दस दी कि सालां पहला शांतनु महेश्वरी ते आलिया भट्ट की मुलाकात एक डांस रियलिटी शो दौरान हुई सी ते उदों शायद उन्होंने यह भी नहीं पता होएगा कि उन्हां दोनों ने इकट्ठियां स्क्रीन शेयर करनी है। दरअसल दोनों की मुलाकात झलक दिखलाजा के सीजन 9 के सैट पर हुई सी। झलक दिखलाजा के विच वो ट्रेंड कोरियोग्राफर सी। शांतनु की परफॉर्मेंस से आलिया भट्ट ने कहा सी कि शांतनु मैं पता है लोग तुहानू क्यूट कहते हैं लेकिन मैं तुहानू कहना चाहती हाँ कि तुसी हॉट भी हो। उदों शांतनु भी यह अंदाजा नहीं सी कि वह एक दिन आलिया भट्ट के नाल स्क्रीन शेयर करेंगे। शांतनु महेश्वरी ने एक्टिंग के विच डेब्यू शो दिल दोस्ती डांस के नाल किया। उन्हां दी परफॉर्मेंस नू गाने दे विच लोगों ने खूब पसंद किया सी। उन्हां दी चंगी खासी फैन फॉलोइंग वध गई। शांतनु माहेश्वरी नच बलिए तो लैके खतरों के खिलाड़ी वर्गे शोज दे विच भी नज़र आ चुके ने। शांतनु एक्टर होण दे नाल एक शानदार डांसर भी ने। उन्होंने इंटरनेशनल लैवल से कई जगहों पर अपनी परफॉर्मेंस दी लेकिन टीवी इंडस्ट्री दे विच अपना नाम जमाउण तो पहला शांतनु महेश्वरी ने काफ़ी स्ट्रगल देखा। एक निजी चैनल नूं दित्ते इंटरव्यू दे विच शांतनु ने कहा कि उन्हां दी मां डांसर बनना चाहती सी लेकिन परिवार का सपोर्ट नहीं मिलिया। इस दे बाद शांतनु अते उन्हां दे भरा डांसर बन गए। उन्होंने दस्या कि तद परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं सी। मेरी एक माँ घर विच ट्यूशन पढ़ाती सी ताकि वह डांस क्लास की फीस भर सके। शांतनु माहेश्वर ने इस इंटरव्यू दे विच शेयर किया सी कि जब वह सफल हुए तो उन्होंने माँ नूं उन्होंने एक कार खरीद के दी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अज उन्होंने खुशियां की कोई सीमा नहीं। शांतनु महेश्वर पहला भी कई म्यूजिक वीडियोज का हिस्सा बन चुके हैं। अज ये बाकमाल डांसर और अदाकार अपना जन्मदिन मना रहा है। उन्होंने उन्होंने जन्मदिन से हार्दिक मुबारकबाद। मशहूर टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई बिग बॉस के विच नजर आ चुकी है। रश्मि देसाई इस तो पहला कई टीवी सीरियल्स के विच काम कर चुकी है जिस टीवी सीरियल्स के नाल उन्होंने घर घर के विच एक चंगी और वक्री पहचान बनाई। रश्मि बिग बॉस 15 के विच मुड़ नजर आई। रश्मि की उमर रियाज के नाल उत्थे मुलाकात भी हुई हालांकि उमर रियाज के नाल उन्होंने मुलाकात आसिम रियाज के कारण पहला भी हो चुकी है। रश्मि की उमर रियाज नाल नेड़ता ने शो के विच काफ़ी सुर्खियां बटोरिया सन। दोहां नूं कई बारी इकट्ठियां स्पॉट किया जा चुका है। हुण रश्मि ने उमर रियाज के नाल डांसिंग वीडियो साझा किया हालांकि इन्होंने दोवां ने अपने अपने इंस्टाग्राम से इकट्ठियां का वीडियो भी साझा किया। इस तो बाद जेकर गल करिए तो इन्होंने अपने दोस्तों के नाल मस्ती करे वीडियो शो भी साझा किया। हुण रश्मि ने उमर रियाज के नाल जो डांसिंग वीडियो साझा किया है उसनों देख के फैनस काफ़ी खुश हो रहे हैं। रश्मि ते सही ने अपने इंस्टाग्राम उत्ते अपनी अते उमर रियाज की एक वीडियो शेयर की। इस वीडियो की जेकर गल की जाए तो इस वीडियो के दोवें एक बार फिर तो ट्रेंडिंग कर रहे हैं और ये ट्रेंडिंग गीत उत्ते डांस भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में रश्मि और उमर इकट्ठे डांस करते हुए काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। फैनस दोहां दे इस वीडियो की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं जिस तो बाद दोहां दे फैनस ने दोहां दे म्यूजिक वीडियो की होर मांग करनी शुरू कर दी। दोहां दे प्रशंसकों ने उन्होंने एक प्यारा नाम भी दिता है उमरश। साल 2006 में अदाकारी की दुनिया में कदम रखने वाली रश्मि देसाई ने आर्थिक तंगी कारण 16 साल की उम्र के विच काम करना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू दौरान रश्मि देसाई ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि मेरी माँ सिंगल पेरेंट सी। एक समा से जो साड़ी कोल दो वक्त की रोटी लेने लिए पैसे नहीं सन। इकली माँ सारा पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करती सी इसलिए मैं 16 साल की उम्र के विच कमाई करनी शुरू कर दी। रश्मि देसाई ने टीवी हिंदी भोजपुरी फिल्मों को अलावा वैब सीरीज़ के विच भी काम किया। उसनों असल पछाण 2008 के विच हिंदी सीरियल उतरन तो मिली सी।
रश्मि ने इस सीरियल के तापसी दा किरदार निभाया सी। इस बाद वो सिद्धार्थ शुक्ला के नाल सीरियल दिल से दिल तक नजर आई थी। अपनी अदाकारी के दम से सारे के दिलों से राज करने वाली रश्मि देसाई का नाम जल्द ही टीवी दिया सब तो वध कमाई करने वाली एक्ट्रेसिस एक हो गया। जिया तो उन्होंने घर घर में वक्री पहचान बनाई। वो बिग बॉस 13 के बिग बॉस 15 का भी हिस्सा रह चुकी है। इस तुम अलावा उन्होंने खतरों के खिलाड़ी 6 के भी हिस्सा लिया। हूँ हाल ही उम्र के नाल उन्होंने बॉन्डिंग में खूब पसंद किया जाता है। जी हाँ, बिग बॉस 15 के इन्हों की नेड़ता ने खूब सुर्खियां बटोरिया से सब का दिल जीत लिया। उमरज से इस वीडियो को सामने आने के बाद फैंस उन्होंने दिल हारते हुए नजर आए। आओ इस वीडियो पर पाने एक नजर। ਇਸ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਝਾਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਾਈਸੀ ਰੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।